शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री और शिफ्ट फोर रीट का जो एग्ज़ाम देकर अब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम ये पेपर दे पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पेपर ही नहीं दे पाए, और कई ऐसे थे जिनकी तैयारी नहीं थी या किसी भी वजह से वो खुश नहीं है पेपर से, लेकिन क्योंकि आपने पेपर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना बेस्ट दिया होगा। अब अगर बात करें मॉडरेट या हार्ड लेवल की, तो लेवल टू का जो शिफ्ट टू का पेपर था वो क्वाइट हार्ड था, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें याद और रट्टे वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे कि इनमें से कौन वैज्ञानिक है कौन नहीं है, या परिवार कल्याण आयोग का की स्थापना कब हुई, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि ज़्यादा ही कुछ इन्होंने पूछ लिए शिफ्ट टू में। शिफ्ट थ्री और फोर की अगर बात करें तो इसमें या तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और या फिर ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे आपको 15 मिनट ज़रूर लगे होंगे। तो ऑल इन ऑल अगर बात करें तो पेपर जो था वो सबका हो चुका है, तो क्यों ना आप आगे आने वाले पेपर की तैयारी करें। राजस्थान जीके है, आनी है हर एक पेपर में, चाहे वो अब रीड का जो मेन एग्ज़ाम है वो हो और चाहे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हो, आप कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम देंगे आपको पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कहती कि आप कहाँ से पढ़ो, लेकिन अपने पास बुक ज़रूर रखना, कोई एक ऐसी बुक रखना जिसमें राजस्थान जीके बुक में से दी हो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की जो बुक्स हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। RBSC से पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने चैनल पे भी RBSC डायरेक्ट से बुक करवाने वाली हूँ, कोई बीच में मॉडरेट बुक नहीं लेके आने वाली, क्योंकि मैंने रीट का एग्ज़ाम देके ये तो समझ लिया कि जब आना ही RBSC और NCERT में से है तो क्यों हम किसी और पब्लिशर्स को पैसे खिला रहे हैं ना, तो क्यों ना आपने RBSC की बुक्स में से पढ़े। आपने अपनी तैयारी अच्छे से अब तक कर ली रीट की और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 90 मार्क्स तो ले ही आएंगे। तो अब हम करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी। आप प्लीज़ ये चैनल शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आप ये पेपर दे पाए, और निराश बिल्कुल नहीं होना, अभी तक जब तक आंसर की नहीं आती तब तक तो खुश रहें, उसके बाद भी खुश रहेंगे, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।